लेट अस स्टार्ट। लास्ट टाइम जो अपन पढ़ रहे थे, हम केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। ट्रेन वाले काफी बच्चे आ भी गए हैं, इसका मतलब है बाकी सब भी आ सकते थे। और अननेसेसरी वी हैव स्टार्टेड द क्लास 20 मिनट्स लेट। तो लेट अस स्टार्ट। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा, सर सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट को रिवाइज कर दीजिए। ओके, आई विल रिवाइज दैट पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सॉल्युबिलिटी जो आपको लास्ट टाइम बता रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ है ना, और इवन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपाउंड, उसमें अपन सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है ना? तो सॉल्युबिलिटी को अपन डिस्कस करेंगे तो सपोज अपने पास ना ऐसे वाटर है, और वाटर में अपन ने कोई कंपाउंड ऐड किया, अज्यूम कर लिया अपने एनए से, तो ऑब्वियस सी बात है जब अपन एनए को ऐड करेंगे तो पहले तो एनए को डिसोसिएट होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव पर। तो अपने पास एक डेल्टा एच, मतलब डिसोसिएशन होगा ना, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको ब्रेक होना है, तो डेल्टा एच तो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। उसके बाद इनका वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा, तो वाटर के साथ अगर इनका इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन विद वाटर, तो जो अट्रैक्शन अपना हाइड्रेशन लिखा था, देन हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो फर्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा, दैट इज डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन वाला स्टेप है। उसके बाद वाटर के साथ इंटरेक्शन वाले स्टेप को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ वॉट वाटर बाय द कैटाइन्स एंड एनायंस, और अट्रैक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। We'll write that. तो अट्रैक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, तो विल राइट लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है, वो डिसोसिएशन एनर्जी है। तो जब किसी सॉलिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर गोइंग टू प्ले द रोल। व्हाट आर दोज एनर्जीज? एक डिसोसिएशन एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी। तो अपन कहेंगे भाई किसी का भी अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो देयर विल बी टू एनर्जीज विच आर प्लेइंग द रोल फॉर सॉल्युबिलिटी। वन इज, एक तो डिसोसिएट करो और दूसरा आप हाइड्रेशन करो। अब हाइड्रेशन जो है वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना है और डिसोसिएशन एंडोथर्मिक फिनोमेना है। दैट इज ऑल। अपन कहेंगे अगर ओवरऑल, मतलब ये और इन दोनों का सम, अगर ये वैल्यू डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, अगर सपोज करते हैं हमें डिसोसिएट करने के लिए, इसको डिसोसिएट करने के लिए वैल्यू यूज हुआ 5 किलो जूल, और हाइड्रेशन में एनर्जी लिबरेट होता है -7 किलो जूल, तो अपन कहेंगे फिर डेल्टा एच विल बी -2 किलो जूल। Then we'll say that in that case, अगर ये एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है जब हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले ये डिसोसिएट हुआ, इतना एनर्जी यूज हुआ, फिर वाटर के साथ इंटरेक्शन हुआ इनका, तो इतना एनर्जी लिबरेट हुआ, तो ओवरऑल एनर्जी लिबरेट ज्यादा हुआ, मतलब दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, मतलब इफ इट इज एक्सोथर्मिक, देन वी विल से दैट कि द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसे कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबिलिटी हमने लास्ट टाइम पढ़ा। सो दैट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अपन पढ़ सकते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, और इसमें अपन ने एक और पार्ट डिस्कस किया था कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, और ठीक है ना, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी होता है, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2, एंड लैटिस एनर्जी, दैट इज अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, लैटिस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, दैट इज लैटिस एनर्जी। अब मुझसे पूछा गया कि सर ये क्या एनर्जी कहां से आती है? अब ये एनर्जी आप ऐसे बोल सकते हो, हमें देना पड़ता है वो एनर्जी,
अगर हमें देना पड़ता है 5 किलो जूल तो लिबरेट होता है 7, तो इसका मतलब वो सॉल्वेबल है। हमें देना पड़ेगा तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पे थोड़ा एनर्जी ऑलरेडी होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से, तो वहां पर ऑलरेडी एनर्जी होता है, अदरवाइज हम कभी स्टर करके दे देते हैं, कभी उसे किसी और तरीके से दे देते हैं। सो यू कैन अज्यूम दैट हमने 5 किलो जूल्स दिया, 7 किलो जूल्स लिबरेट हुआ एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब दैट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर इजी और स्पॉन्टेनियस। कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो विल राइट दैट भाई, अब इसमें जैसे अपन कंडक्शन की बात करेंगे तो विल से दैट अगर NaCl को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो आयंस बनेगा, आयंस बनेगा तो कंडक्शन होगा, बिकॉज सॉलिड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स। We are not talking about metals, we are not talking about all solids. By metal to conduct karega. We are not talking about metals, we are talking about salts. Okay, solid that is ionic compound. So I can write like this. Ionic compound as salts. Koi bhi ionic compound can conduct electricity. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या तो उसको मेल्ट करेंगे इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम, और इन एक्वस मीडियम या तो उसे वाटर में डिसॉल्व करो। सो आई कैन से दैट कि भाई NaCl सॉलिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, NaCl इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वाटर में वो आइंस के फॉर्म में होगा, या फिर आप NaCl को मेल्ट करो, मेल्ट करोगे तो सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे, देन इन दैट केस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या फिर एक्वस मीडियम। समटाइम्स व्हाट हैपन, सो वी कैन राइट दैट वी ऑलरेडी नो दैट कि भाई अगर सॉल्ट या एसिड, सॉलिड HCl है हमारे पास, दैट इज डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। HCl can conduct electricity only when it is added in water. Water में add करोगे तो we'll get the ions H plus ion and Cl minus. We cannot say that कि CCl4 can conduct electricity. Why it is so? It is a non-polar compound. Water में dissolve होता ही नहीं है. अगर non-polar compound और water में dissolve नहीं होगा तो electricity conduct नहीं करेगा. How do I know that कि it is non-polar compounds? तो आप इसमें देखोगे तो carbon से CCl4 attached है, तो it is a non-polar compound. इसमें पोलैरिटी नहीं है बॉन्ड में, CCl का पोलैरिटी बहुत कम है बॉन्ड में ड्यू टू दैट लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज 2.4 एंड दिस इज 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे, और डिफरेंस इज 2.4 दैट इज ओनली 0.6, तो द डिफरेंस इज वेरी लेस, सो बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगा। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगा तो वाटर में डिसॉल्व करने से वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स लाइक बेंजीन CCl4 ethers, this is carbon tetrachloride, then we can write ethers, these are non polar compounds etc., do not conduct electricity, conduct electricity in water, in water, but agar polar compounds hai, अगर पोलर कंपाउंड है इवन दो दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वाटर में डिसॉल्व करने से अगर वो आयंस में कन्वर्ट होता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये वाटर में डिसॉल्व करने से सॉल्युबल ही नहीं है, आयंस तो छोड़ो,
पोलर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे ना दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर ईथर्स लिखा हुआ, ETHERS, उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हैं अपन, दे आर ऑल्सो नॉन पोलर, बट मोस्टली ये लिक्विड्स यूज करते हैं तो बलोनी को यूज किया और मॉल्टन स्टेट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे गिव्स आयंस इन द सॉल्यूशन। अब इसमें भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे कंपैरिजन करेंगे तो चेक लाइक दिस। सपोज मेरे पास गिवन है, अगर ऐसे लिख लेते हैं तो इस पर ऐसे लिख लेते हैं, अगर हम चेक करेंगे दैट इज कंडक्टेंस ऑफ, अगर मुझे गिवन है LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl और मुझसे पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, तो मैं कहूंगा भाई सभी आयंस दे सकते हैं इन्वर्टर इन इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस मीडियम की बात की तो वाटर में सभी को डिसोसिएट करेंगे, सभी आयंस देने वाले हैं। सीएल नेगेटिव आयन तो सभी देंगे, बट ये लिथियम आयन देगा, ये सोडियम आयन देगा, ये पोटेशियम आयन देगा, ये रुबिडियम आयन देगा, ये सीजियम आयन देगा, दैट इज हाउ वी विल गेट द आयंस। सीएल नेगेटिव आयन सभी में आएगा बट द कैटाइन इज डिफरेंट, तो कैटाइन्स या एनाइन्स जो अपन को इंडिविजुअली गिवन होंगे ना उनका सॉल्युबिलिटी हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रेशन एनर्जी। इन सब में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा, तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रेशन एनर्जी तो आपने मुझे बता रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इसका मतलब है इन पे चार्ज तो सेम है, मतलब Q1 Q2 की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि Q1 अगर मैं Li पॉजिटिव लेता हूं तो Q2 को मैं Cl नेगेटिव, तो Q2 तो सभी में सेम है ना, तो मुझे कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा, Q1 से। अभी Q1 तो चार्ज सभी में सेम है, Q1 Q2 आर द चार्जेस, तो ये भी 1 है, प्लस 1 चार्ज माइनस 1 चार्ज, तो फिर हाइड्रेशन पर डिपेंड करेगा, अगर चार्ज सेम है तो अपन कहेंगे हाइड्रेशन पर डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन किसका ज्यादा है तो अपन कहेंगे साइज जिसका छोटा होगा, ये साइज जिसका छोटा होगा हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा, और जो कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, हाइड्रेशन, तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रेशन से कंडक्टेंस का क्या लेना देना, उसमें ऐसा क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, मैं इस पर बता रहा हूं। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर आप ये बोल रहे हो कि कंडक्टेंस ऑफ द आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर लिखा है रेडियस, जितना छोटा रेडियस उतना ज्यादा हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना कम कंडक्टेंस, तो इसका मतलब है आई विल राइट दैट कि इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा इससे, इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा इससे और इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा इससे। अभी व्हाट हैपेंस, जैसे लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा होगा, लिथियम इज लिथियम, सपोज ये लिथियम
और इसमें प्लस वन चार्ज का डेंसिटी है, और अज्यूम कर लेते हैं अपन कि ये सीजियम है और इस पे भी प्लस वन चार्ज का डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ चार्ज किसके सरफेस पे ज्यादा होगा? ट्रिथियम के, छोटा साइज है प्लस वन चार्ज है, प्लस वन चार्ज को छोटा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, इधर प्लस वन चार्ज को बड़े सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसमें स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो वाटर को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एंड द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस और एनायन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इसमें क्या करेगा, इधर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हाई, सो द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी मोर, इधर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इधर अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर, सो देयर विल बी डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच विल बी अट्रैक्टेड बाय द लिथियम कैटायन। इसमें पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होगा, व्हाट इज सो, साइज बहुत बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज एक ही है, और वो बड़े सरफेस एरिया पे उसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बड़े सरफेस एरिया पे, राइट ना, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली बात है, विल राइट लाइक दिस, ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट किया बनना है। अब अगर हम दोनों में चेक करेंगे, क्योंकि डेंसिटी उस पर बहुत कम था, चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से, इस पर चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी लेस। अट्रैक्शन कैसे, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना था ना उसके वाटर मॉलिक्यूल के, इधर ही अट्रैक्ट करता, और इधर ये अट्रैक्ट करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज, सीजियम पॉजिटिव जो है ये अट्रैक्ट करेगा अगर वाटर मॉलिक्यूल को, तो चार्ज डेंसिटी जो है इधर काफी कम होगा ना सरफेस पे बड़ा साइज होने की वजह से, तो बड़ा साइज होने की वजह से यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा था तो नेगेटिव चार्ज को, चार्ज डेंसिटी कम था तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी कम करेगा, यहां छोटा साइज होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज एक दोनों पे है, लेकिन इसमें छोटा साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा था, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को भी ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो ज्यादा लेयर्स बने वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस पे इतने, आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इसका छोटा साइज था, इस पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बैठ गए, इसका साइज बड़ा था लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स कम बैठे, तो किसका मूव करना मुश्किल हो जाएगा? अपन कहेंगे जिस पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बैठेंगे, भाई जिस पे ज्यादा लोग बैठ जाएंगे उसका चलना मुश्किल हो जाएगा ना, और चलेगा नहीं तो आयंस अगर मूव नहीं करेगा तो कंडक्टेंस कैसे शो करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर हाइड्रेशन हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल उस पे बैठ गए सारे के सारे, अब वो मूव कैसे करेंगे लिक्विड की तरफ? साइज अगर बड़ा होगा तो उस पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल नहीं बैठने वाले, उसका अपना मास तो ज्यादा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं बैठेंगे उस पे, तो वो इजीली चल भी पाएगा। इसका अपना मास ज्यादा नहीं था लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे बैठ गए उस पे, तो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। तो बोल सकते हैं अपन कि इसका कंडक्टेंस जो होगा वो कम होगा उससे, रीजन उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, इसका हाइड्रेशन कम हुआ। तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, मूवमेंट कम होगा। बिकॉज जब तक अपन ये नहीं बताएंगे ना, ऐसे जैसे अपने का भाई हमारे पास लिथियम ऐसे इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड और एनोड, ऐसे होता है अपने पास, ये एनोड है ये कैथोड है, अब इसमें लिथियम आयन भी है और सीएल माइनस आयन है, तो कैथोड की तरफ तो लिथियम आयन जाएगा और एनोड की तरफ सीएल नेगेटिव आयन है, तो सब में सीएल नेगेटिव तो सेम था, तो हम कैटाइन से बता सकते हैं जिस कैटाइन का साइज छोटा होगा, जिस कैटाइन का साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होता है, वो आपने बताया। अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, और हाइड्रेशन क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा डेफिनेशन भी लिखवाया था,
the partial attraction of cations and anions, partial attraction of water molecules by the cations and anions is called hydration. यहाँ पर अपन बता सकते हैं, दिस इज हाइड्रेशन। तो इसमें छोटा सा स्फीयर, एक पॉजिटिव चार्ज, बड़ा स्फीयर, एक ही पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे, इन दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इसने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी उसमें, कम थी, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो इसका मूवमेंट कम हुआ टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। फिगर, सो दैट इज अबाउट द हाइड्रेशन पार्ट और कंडक्टेंस पार्ट। इसमें बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर नहीं चलेगा, नो, क्योंकि बॉन्ड बना ही नहीं तो फैक्टर कैसे बताऊं, ठीक है? Can you explain the conductance of ions again? भाई दो बार explain मैंने कर चुका already। मतलब cesium का size बड़ा है तो वो bond जल्दी break होगा। नहीं, cesium का size बड़ा है तो bond तो जल्दी break होगा, लेकिन bond के break होने से क्या? अपन को solubility थोड़ी check कर रहे हैं, अपन को conductance check करना है। भाई अगर हमें conductance check करना है तो हम conductance के लिए move करना होगा ना electrode की तरफ इसको। अब अपन एक बात करें, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड बना देता है, ये है भाई हमारे पास, ठीक है, मेरे पास एक ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया अपन ने, और इसमें अपने पास ये हो गया कैथोड जिसकी तरफ कैटायन को मूव करना है। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को 1, 2, 3, 4 लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ने शील्ड करके रखा हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इसके पॉजिटिव चार्ज को दो ही वाटर लेयर ने इसको शील्ड करके रखा हुआ है, ये भी कैथोड जिसपे इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ किस केस में ये आयन इलेक्ट्रोड की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो सकता है? किस केस में इजीली अट्रैक्ट हो सकता है? जिसमें लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे। लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा किसमें होंगे? जिसका साइज छोटा होगा। साइज किसका छोटा होगा? लिथियम का। तो अगर लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ये कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, उसको अपन दूसरे फैक्टर में बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लेयर बनेंगे तो अट्रैक्ट कैसे होगा, चलेगा कैसे ये उसकी तरफ, तो कंडक्टेंस नहीं हो पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे कितने लेयर बनेंगे? उसी के लिए तो बताया मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा बताएंगे। साइज छोटा का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सरफेस विल बी, सो अगेन मैंने दूसरे तरीके से फिर बताया आपको, राइट? तो ये अपना सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट था। अब अपन बात चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फॉर द कोवेलेंट पार्ट। ये आपका आयनिक बॉन्ड था, इसके जो मेन प्रॉपर्टीज थे वो मैंने आपको बता दिए। और अगर मान लो अपन से एक और कंडक्टेंस में एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपन से ऐसे पूछे कंडक्टेंस किसका ला रहा होगा, अगर मेरे पास लिथियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है और मेरे पास एल्यूमिनियम है, और अपन से पूछे कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे भाई अभी अभी आपने बताया कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही केस में ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? चार्ज। दिस इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो रेडियस को चेक मत करना। रेडियस को कब चेक करेंगे? जब चार्ज सेम था। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने डिस्कस किया ना, उसमें चार्ज सेम, तो हमें रेडियस से डिस्कस करना पड़ा। अदरवाइज इन बोथ द केसेस अगर चार्ज डिफरेंस है तो हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। मोर डोमिनेटिंग फैक्टर इज, द मोर डोमिनेटिंग फैक्टर इज चार्ज इन बोथ द केसेस।
बोथ केसेस, दोनों ही केस में अगर चार्ज ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, क्योंकि जब अपन यहां पर लिखेंगे इवन तो द रेडियस इज स्क्वायर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज तो वैसे ही स्क्वायर हो जाएगा अगर 1:1 होगा तो, Cl नेगेटिव और पॉजिटिव होगा भाई, इसमें चार्ज तो वैसे ही हो गया, स्क्वायर हो गया, इस पे प्लस वन चार्ज और इस पे माइनस वन चार्ज, ये तो वैसे ही स्क्वायर हो गया। मैग्नीशियम के लिए लिखोगे तो Mg प्लस टू लिखोगे और Cl टू लिखोगे, या सल्फेट लिखोगे तो भी टू नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वैसे ही हो गया। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन अपन जितना फैक्टर्स अपने सिलेबस में मैं उतना ही बताऊंगा जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इनको ज्यादा जाना ही नहीं पूरा, वरना मैं इसको पूरा लिखता, हाइड्रेशन एनर्जी यूज लाइक दिस फोर्स के योगन के लिखना ही नहीं है, पढ़ो ना, क्यों लिखना जब उससे अपन के सिलेबस में नहीं है तो क्यों लिखना, ज्यादा क्यों पढ़ना, तो पहले अपन सीख जाते हैं उसके बाद फिर बहुत सारे पढ़ेंगे। और भी नए वर्ड्स हैं जो इसमें अपन यूज कर सकते हैं लेकिन अभी अपन उतना ही पढ़ते हैं जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो शीट से सॉल्व, बुक से सॉल्व करें या कहीं से भी सॉल्व करें, ये स्कूल के लिए सॉल्व करें। So, we won't have to consider the negative or positive charge. मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन के लिए हमको चार्जेस, सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना है, उनके साइन कभी अपन कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं। अपन क्या करेंगे भाई, इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे कम है, इस पे सबसे कम है, इसका मतलब है कंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना कम कंडक्टेंस। अभी ना और धीरे धीरे ये वाले पार्ट में मॉडिफिकेशन करूंगा, जैसे उधर लिख रहा था ना उसको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करेंगे अपन, मॉडिफिकेशन मतलब इनपुट उसमें डालेंगे और वर्ड। अभी अपन मतलब इजीएस्ट वे में समझते हैं यार, मतलब उसमें गड़बड़ नहीं करते ना, तो बहुत हाई फाई कंसेप्ट अभी बढ़ाने लगो, देखो ऐसे होता है तो सबको लगेगा यार ये तो बहुत टफ है, टफ थोड़ी है उसमें, आप सीधी सीधी बात कर रहे हो यार, चार्ज ज्यादा मतलब सीधी सीधी बात हो गई, इसका साइज तो छोटा है और थ्री पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी मतलब छोटे से बॉल पे रिलेटिव टू दिस टू है, छोटे से बॉल पे तीन पॉजिटिव चार्ज और बड़े बॉल पे एक चार्ज, किस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, छोटे से बॉल पे और तीन चार्ज, फिर तो वाटर मॉलिक्यूल को बहुत अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ऐसी बात है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल उस पर बैठ गए। ठीक है, कंडक्टेंस वाला पार्ट हो गया, तो अपन से मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो कंडक्टेंस और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट तो नेक्स्ट ईयर भी चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला, वो आपका चलेगा नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ में, मतलब सॉल्युबिलिटी पूरा मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसको कभी भी अपन वो नहीं कर सकते, मतलब नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर तक ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आपका चलता रहेगा, और हर बार मैं इन्हीं कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा थोड़े एक एक दो दो वर्ड और डालता रहूंगा एक्स्ट्रा, और अच्छा हो गया, अच्छा ऐसे भी बता सकते हैं इस टाइप से, तो उस टाइप से अपने चलता रहेगा, एक साथ अपन सारे वर्ड यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी पता उससे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट, अब अपन को चेक करना है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या चेक करना है अपन को, कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना है, तो मैं कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों एक साथ बोलता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अपने कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए अपन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, तो अपन क्या करते हैं अपन ना एक्सप्लेन करते हैं, आप मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बताओ, फिर बाद में आपको लगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है तो आप मुझे बता देना, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है अपन तो डिफरेंस नहीं लिख रहे, आई एम नॉट राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप कंपेरिजन सीखे कि अच्छा हाँ अपन को पता रहेगा कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं,
क्वाड्रेंट बॉन्ड का क्या है ये बताना बुलडोजर के पास। क्वाड्रेंट बॉन्ड, क्वाड्रेंट बॉन्ड को अपन डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं, डीओटी इसको ना अपन डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए मैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड के साथ पढ़ा रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट, ठीक है भाई। तो पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, और कोवेलेंट बॉन्ड में अपन को जब जरूरत पड़ेगा कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अब अपन को जरूरत पड़ रही है तो अपन बता देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम्स, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट, मतलब एटम सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो उसमें मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपन बोलेंगे कोवेलेंट। चलो देखते हैं कैसे। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम क्यों करता है भाई, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हाइड्रोजन उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अपन कहेंगे हमारे पास तो मतलब एक हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और Cl है इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन, तो अपन सबको पता है भाई आपने इनको शेयर करके ऐसे बना दो भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ऐसे अपन ने काफी सीखा हुआ। तो अपन कहते हैं कि ये HCl मॉलिक्यूल बन गया। फिर अपन कहते हैं अच्छा मैं Cl को Cl के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन कहेंगे कि भाई शेयर कर दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस टाइप का अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अपन कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे पास अगर ऑक्सीजन है तो फिर अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन के पास ना दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, इसलिए मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, उसके अलावा इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करें, तो मैं कहूंगा कि भाई अपने पास चॉइस है, आप बताओ क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसे करना है कि जैसे दूसरा ऑक्सीजन है तो दूसरे ऑप्शन को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें दो, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो अपन कहेंगे यहां पर डबल बॉन्ड बना दो, और डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दो भाई ऐसे बन गया। तो अपन कहेंगे जरूरी है क्या कि ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को ही बॉन्ड करें, नहीं उसमें क्या है आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लो भाई ऑक्सीजन है उसको 6 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपकी मर्जी चाहे उसे डबल बॉन्ड से दे दो या सिंगल बॉन्ड से दे दो, अब ऐसे दे दो हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप एक सीएल ले लो, ये सीएल के इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, सीएल का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तो अभी तो इसके 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए, इसको सिंगल बॉन्ड बनाया ना, सिंगल बॉन्ड से तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसे अब कोई मतलब नहीं इसके साथ, लेकिन इसको भी एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपन कहेंगे एक और सीएल ऐसे बॉन्ड कर दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हाँ तो ठीक है ये लो, अब तो हो गए ना ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, अपन कहेंगे बिल्कुल हो गए, ये 2, 2, 2 और 2 8 हो गए, क्योंकि अपन कहेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके शेयर हो गए ना ऐसे, तो इसको ऐसे बनाएंगे ना भाई, इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो पर इसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं ना इनको अपन कहते हैं बॉन्डेड पेयर्स, मतलब यहां पर 4 बॉन्डेड पेयर, क्या बोलेंगे अपन इनको बॉन्डेड पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड पेयर 2 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड पेयर, और यहां पर इस बॉन्ड में दो बॉन्ड, एक पेयर बॉन्डिंग, एक पेयर बॉन्डिंग, सो 2 बॉन्डेड पेयर, बट यहां पर क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है अपन कहेंगे भाई यहां पर सिंगल बॉन्ड बनाया इसने, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यस ऑक्सीजन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट,
ठीक है, इसमें बॉन्ड मतलब आपने ऐसे बना दिया, अब अपन को ऐसे थोड़ा सा अलग बना लेते हैं ना, और थोड़ा सा दिखेगा अपन को कि भाई मतलब अभी तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या क्या बना दिया अपन ने, ये लो भाई बना दिया अपन ने, थोड़ा ऐसे बना दिया। इसके भी एट हो गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाले बॉन्ड में उसने भी शेयर किया और इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या किया सी एच से शेयर किया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर कर दिया, तो इसके पास कितने हो गए, ये लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन टू और ये दो बॉन्डेड पेयर, तो 2, 4, 6, 8 हो गए। इसके भी 8 हो गए, वही 6 यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन ये। जो भी बॉन्ड बना होगा उसमें जो इधर ये वाले बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होंगे, वो लुईस स्ट्रक्चर काफी बड़ा है। सो डिपेंडिंग ऑन कि भाई किस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम उसके हिसाब से उसके बॉन्ड बना देते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता तो अपन कहते भाई नाइट्रोजन के तो 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन कहेंगे भाई अगर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चाहिए तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन को कर देते हैं, ये हाइड्रोजन को अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाने थे, बन गए हर एक बॉन्ड में, और नाइट्रोजन के पास 2, 4, 6 और ये 8 हो गया, 8 बन। तो मैं अगर इसमें भी ऐसे लिखता तो चलता 1, 2, 3, 4, 5 और एक दूसरा नाइट्रोजन ले लेता हूं, ये 1, 2, 3 तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चलेगा हमें तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड between the metals, non-metals. So, sharing of electron, obviously बात है, between metals होगा। अगर metal होता तो transfer of electron हो जाता। जैसे suppose अपने पास ऐसे होता, जैसे अपने nitrogen लिखा था, तो अपन कहते भाई nitrogen है मेरे पास, nitrogen के पास कितने हैं 3 electron चाहिए इसको, तो अपन कहते ठीक है aluminium nitride बना लेते हैं, इसके पास 3 electron होते हैं और वो metal है, वो electron देना जानता है, ले रहा भाई 3 electron, तो ठीक है ये 3 electron लेगा तो -3 charge और aluminium पे +3 charge, बोल देंगे अपन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बट दैट विल बी आयनिक बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल्स, बट इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। अभी व्हाट विल से दैट देखो भाई, अगर मुझे एक बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड अपन तभी बोलेंगे जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे बिटवीन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर एटम को शेयर करते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम, जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब मैं थोड़ा सा ये वाले बॉन्ड अपन को पता है ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना, मैं इस वाले पार्ट को ऐसे बनाता हूं। अब अपन को पता है कि भाई अगर मान लो एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो अपन ने ये बॉन्ड बनाया, देन इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर करूं तो, और ये वाला एटम अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करे, तो अपन कहेंगे ठीक है देन दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन एरो से डिनोट करते हैं, और एरो ये बताएगा हमको कि उसका टेल बताएगा कि किसके इलेक्ट्रॉन, और हेड बताएगा किसको देने वाला। तो इफ इन अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन Both the electrons are shared by single atom. Then it is a coordinate. तो अपन उसे coordinate bond बोलते हैं। तो ये coordinate bond होता है। ऐसे बनाएं। तो
अपन कहेंगे भाई कोई एग्जांपल दे दो, वो एग्जांपल में क्या है, लिखा तो है कि भाई इसका एग्जांपल ये हो गया, इसके पास क्या है, जैसे अपन कहेंगे भाई ये है मेरे पास ऑक्सीजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के, दो, अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ठीक है मैं किसी एक एटम से इसके दो इलेक्ट्रॉन दिला देता हूं, लेकिन एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर का मतलब है दो फ्री इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर, तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसने इससे इलेक्ट्रॉन तो शेयर किए लेकिन इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, अगर इक्वल शेयरिंग होता ना तो मैं कहता इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में शेयर करेगा तो इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इफ इन, मैंने यहां पर सेंटेंस जो लिखा ना उसमें है, इफ इन अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय अ सिंगल एटम देन द टाइप ऑफ बॉन्ड वी गेट इज कॉल्ड कोवेलेंट। तो अपन कहेंगे आयनिक बॉन्ड, अब मुझसे पूछा कि भाई आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, भाई आयनिक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इसमें शेयर हो रहा है अभी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे अभी भी शेयर होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट था, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी था, इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था लेकिन मुझे इसके दो इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर कर पाए थे, इससे बॉन्ड भी बन गया और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसकी जरूरत ही नहीं थी, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने कंपाउंड्स में बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो तो मुझे अभी बताना है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे अपन बताएंगे। अब मुझे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक और पार्ट छोटा सा बताना है, तो वो मैं यही बता देता हूं, हमें एक बात अच्छे से क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा वो मैं बताऊंगा, अभी वो मैंने बताया नहीं, अभी मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। वी गॉट अ डिफरेंस, अगर दोनों एटम वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट ना, ये तो मतलब एक तरह दोस्ती हुई ना कि तुम भी पैसे कुछ डालो मैं भी कुछ पैसे डालूं फिर पार्टी करें, ये तो बेचारा यही देगा पार्टी, इसका बर्थडे होगा और क्या। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे तो फिर हो रहे, लेकिन सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करे वो एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे तो फिर ऑब्वियस ही बात है अपन क्या कहेंगे, देन दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। एक बॉन्ड फॉर्मेशन में दो ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, बस एक बॉन्ड फॉर्मेशन में दो ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कोवेलेंट है, इसमें भी शेयरिंग है लेकिन इसने दो उसने दो तो भी कोवेलेंट है क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसने शेयर किया इसने नहीं किया तो यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So it is necessary that कि coordinate bond में दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, तीन नहीं हो सकते शेयर, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम दो ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने coordinate bond को ऐसे भी लिख सकता हूं, coordinate bond can be written as bond can be written as ऐसे लिख देता हूं, जैसे मेरे पास ए और बी है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो पहले ही लिखा हुआ है, फिर से क्यों लिख रहे हैं, फिर भी बताने के लिए, ये और ये एक ही बात, मैं क्या करता हूं, मैं एरो नहीं बताना चाहता, ठीक है मत बताओ,
भाई इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तभी तो आपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देता हूं। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको दोगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब मैंने क्या किया कि इसके पास एट इलेक्ट्रॉन थे पहले से, इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं क्या चाहता हूं कि रादर देन फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं क्या करता हूं इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको दे देता हूं तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड मैंने ऐसे शेयर कर लिया। नाउ इट बिकम्स व्हाट, कोवेलेंट। मैंने क्या किया, रादर देन राइटिंग की एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो करें, अपन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके उसको दे देते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कैसे लिख सकते हैं, आप या तो एरो लिखो तो चार्जेस नहीं आएंगे, एरो नहीं लिखोगे तो चार्जेस आएंगे। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं दूसरे तरीके से कोवेलेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तभी तो आप बोल रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट फॉर्म। मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके उसको दिया, राइट मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके उसको दिया। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके उसको दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऐसा भी कर सकते, तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, वैसा भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन लिखेंगे ऐसे ही। उसको अपन तब लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं लिखने वाले। अगर कुछ बढ़िया सा कंसेप्ट होगा तो अपन लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और कंसेप्ट होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बस अपन को ये फोकस करके रखना है कि अगर दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक ही एटम दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है, तो इट इज अ कोऑर्डिनेट। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, अपन को थोड़ा कोवेलेंट मॉलिक्यूल सभी को पता होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास ऐसे क्यों, मेरे पास एक नाइट्रोजन है, NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, ये NH3, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर है, और अपन सब पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, कैसे बनता है अमोनिया। अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया को H+ आयन से रिएक्ट करवा दो। एच प्लस आइन से थोड़ी रिएक्ट करवाया आपने, खाली ऑर्बिटल से रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन था और वो आपने ले लिया, तो एच प्लस आइन ही तो बचा, मतलब तो खाली ऑर्बिटल बचा, एस का खाली ऑर्बिटल। एच प्लस आइन लिखोगे तो ये भी हटा दिया आपने, ये जीरो है, खाली ऑर्बिटल एस, क्योंकि जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे अपन वो दूसरे एटम के पास खाली ऑर्बिटल भी होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन देंगे ना अपन, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो खाली ऑर्बिटल में ही बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मैं देने वाला हूं, शेयर कर लिया दूसरे एटम से। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे, एक्साइट करके कितने बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन दिया इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसे बताए थे ना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन अभी ऑर्बिटल में ज्यादा नहीं जाएंगे, ऑर्बिटल मुझे मतलब बताने हैं बहुत सारे, वो तो हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट है और सब लोग मतलब स्कूल में पढ़ते हैं अमोनियम आयन के फॉर्मेशन के बारे में, इसलिए मैंने उसको एग्जांपल बताया। अपन कहेंगे इसके पास खाली ऑर्बिटल है पूरा एस, खाली ऑर्बिटल,
और उसके पास लोन दे रहे, तो चलो बना दो। इसमें अपन क्या कहते हैं, ये लो भाई खाली ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, तो बैलेंस करोगे ना भाई, बैलेंस तो करोगे ना। ये अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लू तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को दे दू तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। गॉट माय पॉइंट? तो इसमें अपन क्या करेंगे, EH प्लस आंसर ये करवा के, या तो अपन इसको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाए, इसके दो टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन। एक तो आप लिख सकते हो ऐसे, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक तो ऐसे लिख सकता हूं। मैंने हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को यहां रिप्रेजेंट किया और ये लोन पेयर जो है वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट किया। एक तो मैं ये स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, और दूसरा स्ट्रक्चर अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर हटा लेता हूं इस पार्ट को, है इस पार्ट को, तो यहां तो नहीं दिखेगा, मैं यहां पर बता देता हूं। दूसरा मैं इसको ऐसे बता देता हूं स्ट्रक्चर, भाई नाइट्रोजन है, ये तीन हाइड्रोजन तो उससे पहले से अटैच थे। अब ये जो लोन पेयर था ना और ये एच पॉजिटिव था, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं और इसको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो पॉजिटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये आपने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देख लिया, मतलब आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, टेल से हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, टेल से इलेक्ट्रॉन ले लो तो वहां पॉजिटिव चार्ज, और इधर दे दो तो अपन ने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया टेल की तरफ से, एरो के टेल की तरफ से इलेक्ट्रॉन लिया तो वहां पॉजिटिव चार्ज, और इसको दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो बन गया। और या फिर आप ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लो, पॉजिटिव चार्ज दिखाने की जरूरत क्या है, अपन उसको हटा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं और बता देते हैं भाई इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, उसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए मैंने, ये प्रोडक्ट बन गया। आर दीज डायग्राम्स इन आर मॉड्यूल आल्सो? नहीं, मुझे मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको मॉड्यूल में यही डायग्राम मिले, डिफरेंट भी हो सकता है। मैं तो इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई, इजी वे में अपन कैसे सॉल्व करें भाई। अभी तक आपने पढ़ाया क्या है मुझे, दो एटम है अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवेलेंट हो गया, वो एक ही इलेक्ट्रॉन देके दूसरे को एक ही इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करेगा तो कोवेलेंट हो गया, बस इतना ही तो बताया आपने, उसके लिए एग्जांपल दे रहे हो बाकी बस। अब किसी ने लिखा सर अगर हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका क्या होता है, उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन बन जाएगा ना, ठीक है चलो देखते हैं अपन है। अच्छा तो भाई ये सेंटेंस ना वेदांत, वेदांत के मेरे ख्याल से अपने क्लास में दो वेदांत है, तो हाँ तो बेटा मतलब वो सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं था इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया कि वो मंजूर खुदा होगा, ठीक है ना, तो तू उसको क्लियर कर, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे या ये अपना इलेक्ट्रॉन दे। सर नहीं, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पूछ रहा था। अच्छा तो हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोटॉन बन जाएगा ना, तो क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। चलो अब अपन श्रेयस देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन है एच के ऑर्बिटल में चले गए फिर भी शेयर होते रहेंगे, हाँ बिल्कुल भाई, अपन ने पढ़ा ना कि अगर इसके इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे ही होंगे ना, उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया ना, लेकिन ये तो शेयर हो रहे हैं ना, ऐसे हो रहे हैं ना, अपन ने बनाए ना ऊपर, फिर भी शेयर होंगे, बस शेयरिंग में क्या ना कि ये ही कर रहा है शेयर, वो नहीं कर रहा है कोई शेयर, ठीक है ना। तो इस वाले में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज अपन ने यहां लिखा हुआ है, और इस वाले में आपने इस वाले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था आपने, हैं एरो बनाया था, उसमें एरो नहीं है इसलिए आपने पॉजिटिव चार्ज उधर नहीं लिखा, नाइट्रोजन पे लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, नाइट्रोजन ने देके उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया। तो ओवरऑल नहीं कहेंगे आप, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे आप। चलो ठीक है, आपको ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और राइट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है।
जिसका ऑक्टेट बना हुआ है वो शेयर क्यों करता है, क्योंकि बाकी जो उससे बॉन्डेड है उसके लिए शेयर करना पड़ता है। चलो देखेंगे अपन, है क्योंकि अब तो वो मुझे बताना है, एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया, अब इनके प्रॉपर्टीज भी मैं कंपैरिजन में ही बता दूंगा। पहले अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने जो सीखा कि ये बनाना है अपन को, तो इसको अपन क्या करने वाले हैं इससे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से मैं लुईस स्ट्रक्चर लिखने वाला हूं। अब अपन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करने वाले हैं। जो भी मॉलिक्यूल अपन बनाएंगे उन मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, वो बताने वाला हूं, ठीक है। और वो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, पीयूष पूछ रहा है कि भाई जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है वो क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या लगता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो उसे लगता है मेरे पास बहुत नेगेटिव चार्ज है, चलो किसी प्रोटॉन को ले लेते हैं, तो वो इसलिए घूमता रहता है, इसलिए उनको अपन लुईस बेस बोलते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। वो भी आंसर आएगा, अपन देखते हैं। अपन पहले लिखते हैं कि भाई अब अपन स्ट्रक्चर लिखने की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन रूल्स लिखते हैं कुछ, कैसे अपन किसी का स्ट्रक्चर सोचें। रूल्स लिखने की अभी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनिशियली अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, बाद में अपन मॉलिक्यूल देखते ही बता देंगे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। चलो देखते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग लुईस स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर राइटिंग लुईस स्ट्रक्चर्स, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। वैसे भी जब लुईस वर्ड आता है तो ऑक्टेट रूल तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि लुईस ऑक्टेट रूल इस टाइप से पढ़ करते हैं। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रूल होगा स्ट्रक्चर फॉर गिवन मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली बात मॉलिक्यूल तो गिवन होगा उसी के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फिर भी लिख देते फॉर गिवन मॉलिक्यूल। अपन को एक मॉलिक्यूल दे दिया, कोई भी मेरी मर्जी में तो कहूंगा आप तो इसके लिए बताओ, आप तो इसके लिए बताओ, मतलब तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, तो ऐसे वो बाद में अपन लिखते रहेंगे मॉलिक्यूल। पहले देखते हैं रूल्स क्या करना है, राइट द सेंट्रल एटम एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये निकल वर्ड यार आवाज नहीं आई से, तू फिर से बोल, सत्यम लिखो जरा क्या बोल रहे थे। लिखो लिखो भाई क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था ना वो, जी नथिंग, ये लो चुप हो गया, चलो डर गया। तो अपने लिखा राइट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सबको पता है क्या होता है, एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पेयर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड इट इन पेयर्स। तो जैसे अभी मैं लिख रहा था ना कि भाई ए लिखा उसके अराउंड पेयर में इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख रहा था ना, मैं देखा देखा होगा आपने, मैं पेयर में ही लिख रहा था इलेक्ट्रॉन्स, तो उस स्टेज से लिखे। शेयर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम, अब अपन सेंट्रल एटम को सीए लिखेंगे ऐसे, शेयर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम टू अदर एटम्स, सेंट्रल एटम टू अदर एटम्स, so that octet of other atom will get complete, so that octet of other atom gets complete। तो अपन क्या करेंगे भाई, central atom से other atom को electron share करेंगे, और इतना शेयर करेंगे कि उनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है भाई, गेट्स कंप्लीट। सो शेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम सो दैट द ऑक्टेट ऑफ अदर एटम गेट कंप्लीट,
ठीक है। थर्ड, वाइल जब अपन शेयर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वाइल शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेंट्रल एटम, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम ऑलवेज चेक चेक द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑल्सो, बिकॉज इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम गेट्स कंप्लीट, इज कंप्लीटेड बिफोर अकोमोडेटिंग ऑल एटम्स accommodating all other atoms, then central atom will form, will start forming, forming coordinate bond. अब ये coordinate bond for cation, remove electron from central atom equal to number of positive charge, positive charge. अब ऐसे लिख सकते, और एनायन के लिए आप ऐड कर सकते हो, और एनायन ऐड इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसे कर। अब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद अपन को एक छोटा सा पार्ट लिखना पड़ेगा एसिड्स के लिए, एसिड के लिए कैसे बनेंगे, क्योंकि एसिड में तो H प्लस आइन देना पड़ेगा, तो अपन वो चेक करेंगे, अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो अपन चेक करेंगे, लेकिन ये अपना सारा पार्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं अपन कैसे। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ऐसे CO2 बना रहा है, तो अपन कहेंगे बनाओ क्या दिक्कत है, कार्बन हो गए, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख दिए भाई, पॉइंट वन हो गया, पॉइंट टू क्या लिखा है, शेयर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल एटम टू द अदर एटम सो दैट इट्स ऑक्टेट गेट कंप्लीट। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो दे दो, लो भाई दे दिए, हो गया उसका ऑक्टेट कंप्लीट, कितने हैं ऑक्सीजन एटम, दो, चलो दो से भी दे दो, ये भी दे दिया, अभी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, अगर जैसे अभी अमोनियम आयन लिखा था आपने, इसका बना के दिखाओ, तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन इज अ वैलेंस मतलब सेंट्रल एटम, हो गए पांच, एक हटा दो क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बचा, चार, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बना दो, लो भाई हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, कुछ तो ज्यादा इजी नहीं लग रहा कि जितना इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए दे दो, इजी तो है। दूसरा देखते हैं,
ठीक है भाई, मेरे पास ऐसे PCl3, फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पांच। बनाओ। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2, 4, 6, 8। ठीक है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी है, अपन को लिखना है दूसरा। मैं ना थर्ड वाला पॉइंट छोड़ दूंगा, रूल्स फॉर राइटिंग वाला ई वाला पॉइंट है ना। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपसे कहा भाई सी एच, ठीक है, कार्बन है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक है, तो लो भाई सी एच फोर का स्ट्रक्चर बन गया। शेयरिंग तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं भाई, ठीक है, मेरे पास ऐसे के बिना। अब BF3 बोरॉन कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, बस तीन ही होते हैं। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाई सेंट्रल एटम में थोड़ी इलेक्ट्रॉन देने, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्यों? इसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते अपन, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा पूरा मॉलिक्यूल। सो कांट फॉलो ऑक्टेट, ठीक है भाई, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अपन को सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल जिसमें ड्यूप्लेट ही चाहिए होगा, उससे फिर इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता ना। बाकी सभी में अपन को ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाना होता है, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल चेक करता हूं, राइट? तो अपन कहेंगे सपोज मेरे पास ऐसे ही है, ऐसो सेंट्रल एटम, BF3 में बोरॉन के बने, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक, दे दो। लो भाई दे दिया, क्योंकि फ्लोरीन के तो 7 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, बोरॉन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये कह रहा कि भाई फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? भैया फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाएगा, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ऑड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए फ्लोरीन ऐसे होता है। अभी मैं ऑर्बिटल की बात नहीं करना चाहता, ये P5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो P5 का मतलब ऐसे है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे पूरा पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, तो वेट करो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। अभी मैं ऑर्बिटल की बात नहीं करना चाहता, अभी तो अपन बस सेंटेंस जो लिखे हुए ना आराम से उसी से पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि अब एकदम मत करो आप कि मतलब ये भी बता दो, ये भी बता दो, ऐसे वेट करो। अगर अपन धीरे 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 अपन इंक्रीज करेंगे ना, तो अपन को पढ़ने में मजा आएगा, और अगर इधर उधर कुछ भी हुआ ना, तो अपन को लगेगा अरे यार को आप बताना क्या चाहते हो, ये तो बताओ, ठीक है। अब ये कौन है भाई? सर H2SO4 का हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता, जिसका चाहो KMnO4 भी लिखेंगे अपन, तो अपनी मर्जी, चलो लेकिन वेट करो है। अब देखो धीरे धीरे, इसलिए तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अब सल्फर की बात करता है भाई, जो पढ़ा रहे हैं उसमें 100% फोकस करके रखो, आपके सारे आंसर मिलेंगे। अपन क्या करेंगे, सल्फर इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, दे दो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया,
और पॉइंट नंबर थ्री भी आ गया, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट आ गया। और सारे एटम कंप्लीट नहीं हुए, अभी क्या करना पड़ेगा? इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड बिफोर अकोमोडेटिंग ऑल द अदर एटम्स, देन सेंट्रल एटम विल स्टार्ट फॉर्मिंग द क्वार्टेट। समझ में? तो अपन देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब दूसरे ऑक्सीजन से अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये लो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन क्या बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में, जैसे ये अमोनियम आयन बनाया था ना अपन ने, जैसे उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी थे और कोवेलेंट बॉन्ड भी थे, अगर जैसे इसमें सारे के सारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने तो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट नहीं है इसमें, इसमें भी सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब SO2 मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट भी होंगे और कोवेलेंट भी होंगे, दोनों टाइप के बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम कब बनाता है कोऑर्डिनेट? अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और सारे एटम भी अकोमोडेट नहीं हुए, जैसे अपन फिर लिखते हैं, अपन कहेंगे भाई ठीक है ये है मेरे पास, अब बताओ, तो अपन कहेंगे फिर लिख लो हमें क्या फर्क पड़ता है, अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था ना, तो अभी तो बनाओ ना कोवेलेंट बॉन्ड, बनाओ अभी तो बनाया मैंने, अब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, हाँ तो अपन कहेंगे अभी दो ऑक्सीजन और है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, ये बन गया कंप्लीट। ये अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे मॉलिक्यूल पूछा, अब ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, ये तो मतलब अपने शुरुआत की थी तो बड़े इजी मॉलिक्यूल थे, इनको हटा देते हैं, और कुछ ऐसे कैटायन वाला अपन ने किया ना, एनायन वाला भी एक कर लेते हैं, है ना, जब कैटायन किया तो एनायन भी लो, ये लो सी एच थ्री माइनस चार्ज ले लेता हूं एक, तो अपन क्या करेंगे कार्बन है एक दो तीन चार, क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज तो चार तो तब होते हैं ना कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब उस पर कोई चार्ज ना हो, आपने क्या लिखा था अगर एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऐड करो, लो कर दिया, कितने हाइड्रोजन है तीन, एक दो तीन बॉन्ड बन गए और ये एक लोन पेयर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कार्बन पे तीन बॉन्डेड पेयर बने और एक लोन पेयर बना, अब एक काम करते हैं, अब ये कौन क्या पूछ रहा है भाई, सर ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हाँ है ना कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट भी है, इसमें इसमें भी कोवेलेंट है और कोऑर्डिनेट भी है दोनों, SO2 का चार्ज कितना होगा, कौन सा चार्ज, SO2 पे कहाँ है भाई चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे वन पॉजिटिव चार्ज है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, तो SO2 पे चार्ज दिख कहाँ रहा तू, जो ये चार्ज के बारे में पूछ रहा है, कोई चार्ज नहीं, got it? चलो बना के अब ना, पहले क्या होता था कि जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल और लिखूंगा, मतलब एटलीस्ट अपन वो मॉलिक्यूल तो लिखते ही हैं जिसमें मतलब अपन से पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब अपन कहेंगे भाई चार कार्बन के तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के छह डबल बॉन्ड बनाते हैं, अब क्या करें,
तो अपन कहेंगे अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या प्रॉब्लम है आपको, लो बन गया, इससे हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे पहली बात तो ये कि दो एटम के बीच में कभी 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बन सकते भाई, तीन ही तो ऑर्बिटल, तीन ही तो एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड, ये जो आप बॉन्ड बना रहे हो ऐसे लाइन खींच के, वो लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, हो गया बॉन्ड, ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है जो पढ़ने हैं अपन को। लेकिन अपन को पहले से पता होगा कहां क्या करना है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पहली बात तो भाई 4 बॉन्ड बनते नहीं किसी एटम के बीच, क्यों, एक्सेस तीन ही होते हैं एक्स वाई जेड, आप तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते दो एटम के बीच में, सो ये गलत, ठीक है भाई नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, चलो ऐसे बना लो, तो वो नहीं बना सकते तो ऐसे कर देते हैं, अपन कहेंगे ये ऐसे हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, अपन कहेंगे देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन इसका नहीं हुआ, अब तो गड़बड़ हो गई। तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है ना, इतने बार पढ़ते हैं अपन तो, इट इज इनर्ट गैस, स्टेबल होता है ये तो बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा इनर्ट है, N2 को अपन इनर्ट गैस बोलते हैं, वो चिप्स बोलते हैं लेज और कुरकुरे, उसमें जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस ही तो है, नाइट्रोजन गैस का यूज ही यही होता है कि अपन बॉडी के पार्ट्स को उसको उसमें नाइट्रोजन गैस में बैक्टीरिया फ्री होता है ना, बैक्टीरिया से फ्री, तो ऐसे कोई भी पार्ट्स अपन को जहां बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए उसमें नाइट्रोजन के एटमोस्फेयर में रखते हैं, ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, और CO तो नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल है, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ऑक्टेट किसका कंप्लीट हुआ, इसका, किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका, तो बना दो क्वाड्रेंट बॉन्ड, कितने चाहिए इसको, दो लोग बना दिया, ये बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, इस बॉन्ड में इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया लेकिन इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना कार्बन के साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने डिफरेंट एटम में मुझे बताया कि भाई कैसा क्यों नहीं हो सकता, तीन बॉन्ड क्यों हो सकते हैं, क्या करना चाहिए अपन को, दो बॉन्ड तो बन गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उसका हो गया, उसके पास लोन पेयर दिख रहे हैं, अच्छा लोन पेयर दिख रहे हैं तो दूसरे एटम को दे दो, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे पास ऐसे एटम, आप बताओ क्या करो, मेरे पास तो ऐसे, अब बना के दिखा, अब तो सारे एक जैसे एटम, कोई बात नहीं, अगर सारे के सारे एक जैसे एटम है तो एक को सेंट्रल एटम ले लो, बाकी दोनों को अदर एटम ले लो, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा अपन को, एक हो गया अपने पास क्या, सेंट्रल एटम, ये हो गया भाई, बाकी दोनों अदर एटम ये लो, एक ऑक्सीजन, तो इससे मैंने इसका बॉन्ड बना दिया, अभी पता क्या हुआ, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्या करूं, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ना, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको सेंट्रल एटम जिसको अज्यूम करते हो ना तुम, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, जब अपन ने इन दोनों में दो बॉन्ड बनाए, इसमें डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने शेयर कर लिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या करेंगे, इससे क्वार्टर हो गया, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाया ना, तो इसने तो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया उसके साथ लेकिन इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका तो था ही, सो कार्बन मोनोऑक्साइड में अपन ने लिखा भाई ये था ऑक्सीजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने कहा भाई ये डबल बॉन्ड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें,
इसका ऑप्टेट कंप्लीट कर लीजिए, क्या इसके पास लोन पेयर है? अगर है तो बना दो कोऑर्डिनेट बन, ये लोन बन गया, इससे कोऑर्डिनेट ये स्ट्रक्चर बन गया था। अब अपन ने सेम टाइप ऑफ एटम के लिए बना लिया कि भाई सेम टाइप ऑफ एटम में कैसे बना, ऑप्टेट कंप्लीशन करने का टाइम भी बनाया अपन ने। अब अपन कहेंगे लुईस टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ एसिड्स, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। अगर मेरे पास एसिड जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, मतलब ऐसे ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रो एसिड में क्या लिखना, इसका स्ट्रक्चर बताओ, उसमें क्या स्ट्रक्चर बताना, HCl में, H2S में बताओ उसमें क्या बताना, H2S में सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, एक एक दे दो हाइड्रोजन को, लो भाई हो गया। तो ऑक्सी एसिड्स के लिए क्या करेंगे अपन, वो देखते हैं। ऑक्सी एसिड जिनमें ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अपन को पता होता है जो एसिड ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल को किसी भी शेप का बना सकते हैं। अभी तो ज्योमेट्री पे आना है, पहले ये तो सीख जाओ कि मतलब किसको कितने इलेक्ट्रॉन देने लेने हैं, वो सीख लेते हैं ना पहले अपन, उसके बाद आएंगे अपन की उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप एंड ज्योमेट्री। वेट तो करो है ना, थोड़ा सा वेट करो, मतलब धीरे धीरे अपन ऐसे ना एकदम सब गड़बड़ हो जाएगा, वरना एक साथ पढ़ेंगे अपन तो। पहले अपन एक एक स्टेप को, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मतलब आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना है, मैं तो ये सोच के पढ़ाना है कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान ना करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं होगा कैलकुलेशन में, सारे बच्चों को कैलकुलेशन आता है, सारे बच्चों, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट होते हैं और लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना होता है, जो आपको लगता है यार ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है उसको आप मना कर दोगे, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैंने समझाया वही कंसेप्ट है, तो मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं पाओगे आप। तुम अपना दिमाग तब लगा पाओगे जब आपको बॉन्डिंग अच्छे से पता होगा, नहीं नहीं सर थोड़ा सा लग रहा है मुझे बॉन्डिंग के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपन वेट करते हैं, शेप ज्योमेट्री एवरीथिंग विल बी नोन टू यू, बहुत सारा पार्ट होगा, अपन सिर्फ शीट और उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अपन को चाहिए और भी केमिस्ट्री कैसे पढ़ाओगे आप वो बताओ, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, मतलब अपन सब सारा पार्ट हो जाएगा अपना। चलो देखते हैं, तो राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। चलो भाई ठीक है, ऑक्सी एसिड्स मतलब जिनमें ऑक्सीजन होते हैं वो एसिड्स, और ऑक्सीजन वाले एसिड में क्या होता है, वो प्रोटॉन रिप्लेसेबल होगा जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये आपने पहले बता दिया मुझे BIN में कि द प्रोटॉन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ऑक्सी एसिड्स, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट द एसिड इनटू एनायंस बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन, द प्रोटॉन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट कि मतलब भाई कैसे बताना है मुझे, आपने जो सेंटेंस लिखा उसका क्या मतलब है, ये मेरे लिए पॉइंट वन हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सी एनायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन bonded with single bond, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, bonded with a single bond with center atom,
क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है विद सेंटर पैड, ऐसे लिख देगा अपन को पता है सेंटर पैड। चलो स्ट्रक्चर बना के लुई स्ट्रक्चर की बात, इसी को डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, ये तो नहीं इसी और चलो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको भी डाल, ठीक है भाई आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो शुरुआत अपन एच एन ओ थ्री से एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिखा भाई एच एन ओ थ्री एक एसिड है, ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख लू, ये तो एक प्रोटॉन देता है, दे दिए, मैं क्या करूंगा ना नाइट्रेट का लिखूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने होते हैं, एक दो तीन चार पांच हो गए। आपने साफ साफ बता रखा है पहले पॉइंट में कि भाई कन्वर्ट कर लो एसिड को उसके एनायन में, और फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच करोगे ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिक्स होते हैं, कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन सेवन हो गए, एक आपने दिया इस, तो ये एट हो गया नेगेटिव चार्ज, तो किसी पर नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूंगा ना उसको, इसलिए तो बोला। अच्छा अच्छा तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो मेरे साथ, मतलब एक दो तीन चार आपने क्या किया सिंगल बॉन्ड से इसे अटैच किया इससे, और आपने इसके दो लोन पेयर को वैसे ही रहने दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव चार्ज लिखा ना आपने, वो इसका प्रोटॉन दिया इसका इलेक्ट्रॉन दिया, आपने क्या किया प्रोटॉन ना ये जो प्रोटॉन बना दिया ना आपने, इसके इलेक्ट्रॉन को इसी को दे दिया और दिखा दिया कि देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज अगर आप लिख रहे हो इसका मतलब है वहां पर प्रोटॉन लिखा होगा, उस ऑक्सीजन से प्रोटॉन लगा होगा, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं कि आप किस में कन्वर्ट कर दो एनायन में, एनायन में कन्वर्ट करके आप क्या करो, क्योंकि एनायन में कन्वर्ट कब होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात होगा ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ना अपन, ये किसका इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव चार्ज से लिख रहे हो आप, ये प्रोटॉन ने दिया था अपन को, इसलिए तो अपन ने एच पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है अपन पहले इसको बनाते हैं फिर बाद में अपन एच एनओ थ्री कर देंगे उसको। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, सिक्स हो गए, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ठीक है तो अपन क्या करेंगे अगर ये कंप्लीट नहीं है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अभी एक इसके पास तीन ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन अपन आ सकते हैं, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, अभी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सारे अदर एटम अभी अपन ने अकोमोडेट नहीं किया, क्या करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनो, क्या बना स्ट्रक्चर अपने पास, ये बना नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीन ऑक्सीजन में से एक सिंगल बॉन्ड बनाया, एक नेगेटिव चार्ज लिखा एक ऑक्सीजन पे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया आपने, ये वो क्रॉस वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया था आपने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, इधर डबल बॉन्ड बनाया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया आपने, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये लो भाई हो गया नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बना दिया अपने। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं उसमें समझ लेते हैं, लो भाई मेरे पास तो H2SO4 है अब बताओ क्या करूं, कहेंगे उसमें क्या है पता तो है, कन्वर्ट द एसिड इनटू एनायंस, ऑक्सीएनायन लिख लो अगर आपको कोई डाउट हो तो, ऑक्सीएनायन लिख दो बाय रिमूविंग द प्रोटॉन, लिखा था बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन, twice of H plus ion और सल्फेट आइन बन गया मेरे, अब इसमें तो दो नेगेटिव चार्ज है मतलब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो,
ये लो भाई, सल्फर है, एक दो तीन चार पांच छह। हमें पता है जो बॉन्ड आप सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को अटैच करोगे उसी पे नेगेटिव चार्ज लिखते हो, तभी तो आप बोल रहे हैं कि जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करो, क्योंकि जब आप सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हो तो उस सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर नेगेटिव चार्ज लिख के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो। ठीक है, ये लो भाई, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से इसके 7 हो गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इसके पास थे और एक आपने शेयर कर दिया सल्फर से, ये नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो हो गया आफ्टर कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन भी ले लेता हूं, इसमें भी नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट है, सल्फर का भी ऑप्टेट कंप्लीट होता है। वो अपन काउंट करते रहते हैं बीच बीच में कि भाई सेंट्रल एटम का ऑप्टेट पर भी ध्यान देना, क्योंकि अगर वो भी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बताओ ठीक है भाई, अब अगर मुझे H2SO4 का स्ट्रक्चर बताना है तो हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज हटा के प्रोटॉन लिख देना, ये लो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये इधर प्रोटॉन लिख देना और इधर ऑप्शन जो था ये वाला, इससे भी प्रोटॉन अटैच कर देना, लो भाई H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो अगर मान लो मुझे ऐसे लिखा, थर्ड मुझे ऐसे लिखा H2CO3, बताओ क्या बना है, तो अपन कहते प्रोटॉन हटा दो पहले, तो वो कार्बोनेट आयन बना, ट्वाइस ऑफ H+ आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन। अब CO3 2 नेगेटिव आयन है तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, बना दिए, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, दो, दो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, कर दिए। अब वो डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है तो हम बना दो डबल बॉन्ड, ये लो। तो मतलब पहले मुझे क्या बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड वाले ना, उसके बाद ही डबल बॉन्ड शुरू करना है ना। हाँ बिल्कुल, पहले जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले बनाओ फिर डबल बॉन्ड वाले। तो मान लो मेरे पास ऐसे कहते हैं, अब मैं क्या करूं, ये लो अब बना के दिखाओ, तो अपन कहेंगे उसमें क्या कितने प्रोटॉन देता है, 3 प्रोटॉन देता है, कोई बात नहीं अभी बना देता हूं, ये लो बन गया। पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 3, ये लो भाई हो गया। अब क्या, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, इसका बना के दिखाओ, H3PO3 है मेरे पास, अब बना के दिखाओ कितने प्रोटॉन देता है, तो जब चार ऑक्सीजन होते हैं तो 3 प्रोटॉन देता है, जब 3 ऑक्सीजन होते हैं तो 2 ही प्रोटॉन देता है, और 2 प्रोटॉन देगा तो H3PO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, PO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है भाई, फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, तो पास में ना उधर नहीं लिखेगा तो ट्वाइस ऑफ H+ है, ये 2 प्रोटॉन देगा तो मेरे पास ये बचेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन देगा तो 1 प्रोटॉन अभी रह जाएगा ना उसमें, तो कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 लिखो भाई। अब क्या, तो 2 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं सकता अनलेस उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए पड़ेगा, तो
ये अपन बना लें, तो इतना बनाओ तुम लोग, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये अपन को पता चल जाएगा। तो अगर मुझे कोई मतलब ये आप बना लेना अपने आप भाई, ऐसे H3PO2 ये ना एक ही प्रोटॉन देता है, H2PO2 नेगेटिव बनेगा, तो अपने आप बना लेना, फिर बताते हैं आपको। तो चलो जल्दी से बना लो। अभी अपना लुईस ऑक्टेट रूल्स खत्म नहीं हुआ अभी, मतलब अपन में इसमें लिखने के बाद अपन को इसमें कुछ कुछ वर्ड्स भी अपन को डालने हैं, और मतलब इसके लिमिटेशन भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशन भी होता है। बिल्कुल, तब तक मैं H3PO3 का कोई अपन से वापस पूछ रहा है, अपन फिर उसको बता देंगे। जो भी सेंट्रल एटम के साथ लिखा होगा N9 में, वो सब सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हटा दें। अगर आपने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया तो अपन बाद में हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ना, जैसे अपन ने बताया था कि अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर पूछोगे तो ये बताऊंगा ना। अब वंस वी गेट द नेगेटिव चार्ज अपन लिख देंगे भाई, उसको हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। लिखना तो पड़ेगा, अगर स्कूल में H2SO4 पूछा है तो अपन ने तो लिखने का तरीका देखा है कि यार कैसे लिखना है, कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, कितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। इधर फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक क्वाड्रेंट बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बाद में क्वाड्रेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये एसिड्स के लिए लुईस स्ट्रक्चर्स। अब अपन पढ़ेंगे, ये तो एसिड का लुईस स्ट्रक्चर्स था, तो मेरे ख्याल से अपन को बनाना आ गया भाई, कैसे अपन को लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। अब अपन चेक करते हैं, ये वैसे स्ट्रक्चर वहां बना हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल, ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। पहले तो अगर लुईस ऑक्टेट रूल ही फॉलो करते थे ना, तो उसके लिमिटेशन काफी ज्यादा थे, तो उसका मॉडिफिकेशन आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका मॉडिफिकेशन आया वेस्पर थ्योरी, उसका मॉडिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन, उसका मॉडिफिकेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये सारे थ्योरीज पढ़ने। H3PO2 का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गलत बात है। और वो एक पूछ रहा है आंसर बता दो, दूसरा पूछ रहा है स्ट्रक्चर दिखा दो। हमने बना लिया, आप बताओ सही है कि नहीं आपका स्ट्रक्चर, आप बना के दिखाओ, हमने बनाया है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही होगा तो हम लोग बता देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या था उसमें, एक ही नेगेटिव चार्ज था, लो बन गया ना, और फिर दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर अपन बना देंगे फटाफट, एक ऐसे बना दो, एक OH बना दो और दो हाइड्रोजन बना दो, मतलब एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन उससे अटैच, ऑक्सीजन से अटैच, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होंगे वही रिप्लेस कर होते हैं, इसलिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिख रहे। अब ऑक्टेट रूल अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ते, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ क्लासेस भी इंक्रीज करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं या तो सैटरडे को क्लास लूंगा या फिर संडे को क्लास लूंगा, क्लास एक और नेक्स्ट वीक से अपना 3 क्लास होगा, मैंने बोल दिया कि 2 क्लास में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा।
बोर्ड क्लास के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड क्लास के लिए अपन ने चैप्टर जो पढ़ लिया ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बोर्ड क्लास में पढ़ेंगे अपन, जो चैप्टर कंप्लीट होगा बोर्ड क्लास में अपन वही पढ़ेंगे, और थोड़ा सा अपन डाउट क्लास भी, और या तो अपन डाउट क्लास एक्स्ट्रा क्लास में लगाएंगे, या फिर अपन मतलब बोर्ड तो अलग क्लास लिखेंगे लिखेंगे अपन, और होमवर्क का डाउट डिस्कस करेंगे ना, बट विल हैव मोर, तो अपन केमिकल बॉन्डिंग और ये अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बॉन्डिंग तो अपना चल ही रहा है, तो बोर्ड क्लास अपन को डिस्कस करना पड़ेगा, बिल्कुल अपन बोर्ड क्लास डिस्कस करेंगे सैटरडे, मोस्ट प्रोबली विल हैव अ बोर्ड क्लास, मैं आपको टाइम देता हूँ, नहीं आया तो तुम लोग परेशान कर रहे हैं, बोर्ड क्लास बताओ आप सैटरडे को करेंगे, सैटरडे को मेरा मॉर्निंग में 8 to 10 क्लास है, तो और जो स्कूल गोइंग नहीं है उनके लिए तो बोर्ड क्लास कंपलसरी है अटेंड करना, जो स्कूल गोइंग है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, तो अपन बोर्ड क्लास को कंपलसरी नहीं रखेंगे, लेकिन जो रेगुलर क्लास स्कूल नहीं जाते, स्कूल क्लास अटेंड नहीं करते ना, उनके लिए बोर्ड क्लास कंपलसरी होगा, ठीक है। रेगुलर क्लास कब होगा, रेगुलर क्लास विल टेल यू, मतलब रेगुलर क्लास नहीं होगा, बोर्ड क्लास करेंगे, और रेगुलर क्लास में भी पॉसिबल इस वीक में एक और लगा लूं मैं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो, और मोस्ट प्रोबली सैटरडे को ही लगा सकता हूँ, वो भी 10:30 या 11 o'clock ऐसे कुछ, या 12 o'clock, 12 to 2 ऐसे कुछ होगा, तो बोर्ड क्लास होगा वो। स्कूल में भी एग्जाम आते हैं ना, जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनको, इंटीग्रेटेड है या वो टाई अप्स हैं उनको प्रॉब्लम, हाँ वो कर लेंगे अपन, केमिकल बॉन्डिंग स्कूल वाले के लिए मैं बता दूंगा कैसे करना, कुछ कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी तो बंद करते हैं, आपका भी क्लास होगा मेरा भी क्लास है, ओके थैंक यू, बाय सर, बाय बाय बाय।